गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? एंड अगर आप आज पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज हमारे इस चैनल ट्विन ट्विन गाइडेंस 1111 पर। सो गाइज, ये वीडियो मैं उन सभी डिवाइन सोल्स के लिए बना रही हूँ जो अभी अभी इस जर्नी में एंटर किए हुए हैं, जिनकी अवेकनिंग अभी अभी ट्रिगर हुई है, जो न्यूली अवेकन्ड सोल्स है, एंड जिन लोगों को अभी भी इस जर्नी का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एंड सामने वाला पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो अगर आप लोगों को अभी तक इस जर्नी का कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो आपको इस जर्नी का एक 100% कंफर्मेशन साइन भी मिल जाएगी कि यस, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड सामने वाला पर्सन ही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ओके, जिसके लिए आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, ओके। तो आज की वीडियो में मैं वही सारे पुराने साइन के साथ कुछ न्यू स्पेसिफिक साइन को आप सभी के साथ शेयर करूँगी, जो साइन अगर आपको मिले तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड सामने वाला पर्सन भी आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ओके। तो सबसे पहला जो साइन है उसे मैं आप लोगों से शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहूँगी, तभी जाके आप उस साइन को रिलेट कर पाएंगे, ओके। देखिए गाइस, हमें ये जो फीमेल बॉडी मिली है इसके थ्रू हमें बहुत सारे साइन मिलती है, ठीक है। जैसे कि जब एक फीमेल उसकी बॉडी जब फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाती है, उसे क्या होता है कि उससे पीरियड्स आने लगती है, राइट? हर महीने आपको पीरियड्स आता है, तो इसे ये पता चलता है कि अब आपकी बॉडी अंदर से तैयार है। मतलब जब एक लड़की को पीरियड्स आ जाती है तो उसके बाद वो अगर कोई मेल के साथ इंटरकोर्स करता है, मतलब सेक्स करता है, तो 99.99% चांसेस है कि वो प्रेग्नेंट बन सकती है, ठीक है। चाहे शादी से पहले आप सेक्स करो या फिर शादी के बाद आप सेक्स करोगे तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, ठीक है। ये कुदरत का नियम है, ओके। तो जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो सबसे पहले आपको जो कॉमन साइन मिलती है वो है आपकी पीरियड्स, मतलब आपकी पीरियड्स रुक जाती है, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन साइन है जिसके थ्रू आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, ठीक है। तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई प्रेगनेंसी किट को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में पीरियड्स इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंजेस होता है, एंड जहाँ से आपको पीरियड्स आती है वहीं जगह पे आपका बच्चा रहता है, मतलब आपकी जो यूटरस होता है, यूटरस में आपकी बच्चा रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। वहीं से ही आपकी पीरियड्स आती है, ठीक है। तो ये सब मैं इसलिए बोला क्योंकि आप सभी लोग बायोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो चलिए, अब आप लोगों को इतना सब पता चल गया है तो पहला साइन भी मैं बता देती हूँ। देखिए गाइस, मैं मेरी पुरानी वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ कि जब आपकी लाइफ में आपका ट्रू ट्विन फ्लेम आता है तो आपकी लाइफ को वो पर्सन 360 डिग्री घुमाकर रख देता है, ठीक है। जिसकी वजह से आप अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं, आप पूरी तरह पागल हो जाते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ अचानक से ये सब क्या हो रही है, ओके। एंड ये सब आप तब फील नहीं कर पाएंगे जब आप बबल लव फेज में होंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आप दोनों के बीच ज़बरदस्त प्यार होता है, ठीक है। तो प्यार में रह के आप ये सारे चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप प्रेग्नेंट होने से पहले के टाइम को याद करिए, तब आप दोनों के बीच ज़बरदस्त प्यार होता है, राइट? तो मतलब आप और आपका पर्सन, आप दोनों के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो सेक्स करते टाइम आपको कुछ भी नहीं दिखता है कि आगे क्या होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह जब आप और आपकी ट्विन, आप दोनों जब बबल लव फेज में होते हो तो तब आपको इस दुनिया का कोई परवाह नहीं होता है, मतलब आप ये सोचते हो कि ये दुनिया भाड़ में जाए, क्योंकि उस टाइम वही पर्सन ही आपका सब कुछ होता है, वही आपकी दुनिया होता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे में खोए रहते हो, ठीक है। तो उसके बाद जब
अब वो बबल अब फेज ख़त्म हो जाता है तो आपका जो डिवाइन मास्कुलाइन है वो आपसे रन कर जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका काम तो ख़त्म हो गया है। अब आपको अकेला इस जर्नी में आगे बढ़ना होता है, ठीक है। आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है जब वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, जब वो आपसे रन कर जाते हैं, ठीक है, जो है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। अब आपको डिवाइन के पास ही आना पड़ता है, तो आप देखिए कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है या नहीं, ठीक है। एंड और एक बात गाइस, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी से भी ट्रिगर हो सकती है, चाहे वो आपकी कार्मिक हो या फिर कोई सोलमेट हो, बट जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी जर्नी कंप्लीट होने तक आपके साथ आपका ट्रू ट्विन फ्लेम ही रहता है, ठीक है। आपकी जो कार्मिक होते हैं, जो सोलमेट होते हैं, वो लोग आपकी लाइफ से भाग जाएंगे, आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे जब आप आपकी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब दूसरा साइन ये है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद आप कभी भी किसी और पर्सन के बारे में नहीं सोच पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी सोल को उसका काउंटर पार्ट मिल चुकी है, ठीक है। तो आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोलफुली हर एक एंगल से उस पर्सन के साथ कंप्लीट फील करते हैं, ठीक है। तो आपकी सोल अगर अंदर से कंप्लीट है तो आपको कभी भी किसी और का क्रेविंग नहीं होता है, ना ही आपको किसी और का ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखिए कि क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी वो तलाश ख़त्म हो चुकी है, या फिर वो पर्सन आपकी लाइफ में होते हुए भी आप किसी और का तलाश कर रहे हैं। तो जब आपकी लाइफ में आपका ट्रू ट्विन फ्लेम आता है तो आपकी वो तलाश ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपकी सोल की जो तलाश होता है, आपको अंदर से एक क्रेविंग होता है कि कोई आपसे सच्चा वाला प्यार करे, तो वो क्रेविंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं फिर से वही एग्जांपल को दूंगी, ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए गाइस, जब आप आपकी पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हो, सेक्सुअल रिलेशन रखते हो, तो अगर उसी टाइम आपकी एग से उनकी स्पर्म फर्टिलाइज हो जाए, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो एग की फीमेल की जो एग होता है उसका जो आउटर लेयर होता है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो स्पर्म उसके अंदर एंटर कर जाती है। तो उसके बाद सडनली वो आउटर लेयर क्लोज हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर कोई और दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है। चाहे आप आपकी पर्सन के साथ दोबारा सेक्स भी क्यों ना कर लो, कोई और उससे उस सेम एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ को आप रिलेट करके देखिए, मतलब जब आपकी सोल उसकी काउंटर सोल से मिल जाती है इस 3D में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम मिलती है, तो उसको उसकी काउंटर सोल तो मिल गई है, तो उसको कोई और नहीं चाहिए क्योंकि वो पहले से ही उसके साथ कंप्लीट हो गई है, फील कर चुकी है, ठीक है। तो यही होता है ट्विन फ्लेम्स के साथ कि जब आपकी लाइफ में आपका ट्रू ट्विन फ्लेम इस थ्री डी में आपके सामने आ जाए तो आपकी नज़र किसी और के पास नहीं जाएगी, ठीक है, आपकी वही तलाश वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एंड और एक बात गाइस, आपकी सोल की तलाश एंड आपकी बॉडी एंड माइंड का तलाश ये अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो बॉडी है, आपकी बॉडी आपकी माइंड के हिसाब से काम करती है, ठीक है, बट आपकी सोल तो फ्री है, ठीक है। आपकी सोल जब एनलाइटमेंट हो जाएगी तो आपकी सोल आपका उसका खुद का रास्ता निकाल लेगी, ठीक है। तो सपोज आपकी माइंड में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो रही है, आपकी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि सपोज आप और आपका ट्विन, आप दोनों सेपरेशन में हैं और आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं कि वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, या फिर उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, कोई दूसरा लड़की आ गई है, तो आप इन बातों को सोच सोच के आपका माइंड पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। एंड उसी टाइम अगर आपके पास कोई एक बंदा आ जाता है जो आपकी इमोशन को समझ के आपको तसल्ली दे रहा है, तो आपका जो माइंड है, आपकी माइंड उसी को ही चाहेगा, ठीक है, और आपकी बॉडी वही करेगा जो आपका माइंड चाहता है, ठीक है। एंड कभी कभी इस तरह की सिचुएशन में आप उसके साथ फिजिकल भी हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज हो रही है जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी ये सब कर रही है, ठीक है। बट उसके बाद आपको बहुत गिल्टी फील होता है, आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपने ये सब क्यों किया है, ठीक है, क्योंकि आपकी सोल किसी और को चाहती है।
ठीक है। तो ये जो है, ये जो चाहत है, ये आपकी बॉडी की, आपकी माइंड की थी, ठीक है। तो आपकी सोल की चाहत कुछ और है। बट अगर आपकी ट्विन्स आप फिजिकल हो जाते हो बाय मिस्टेक, आपको कभी भी गिल्टी फील नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी सोल की चाहत है, ठीक है। तो आपकी सोल उनके साथ कंप्लीट फेड करती है, तो आपको कभी भी इस चीज़ का गिल्टी फील नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो आप देखिए कि आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल उस पर्सन के साथ अलाइनमेंट पे है या नहीं। ओके, अब नेक्स्ट साइन जिसे आप पता कर पाएंगे कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। देखिए गाइस, जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम होता है, वो आपसे जितना प्यार करता है, उसे कई गुना ज़्यादा दुख भी आपको देता है, ठीक है। ठीक है, उनसे आपको इतना दुख, इतना दर्द मिलता है, जो दुख दर्द आप पहले कभी नहीं सही होगी, ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी सोल को ट्रिगर करता है, ठीक है। जैसे कि सपोज आपकी पैर में कहीं से चोट लग गई, ठीक है। तो वो चोट लगने से आपको जो पेन मिलता है, वो पेन 2-4 दिन या फिर 10-15 दिन तक ऐसे ही रहता है, ठीक है। आप उस पेन को फील करते हो, बट धीरे धीरे वो चोट जब हील हो जाएगी, तो वो पेन भी गायब हो जाएगी। ओके, बट आपकी सोल के ऊपर जो जख्म उन्होंने दिया है, जो पेन आपको आपकी ट्विन से मिलता है, वो सिर्फ आप मेडिटेशन में बैठ के ही हील कर पाएंगे। कोई मेडिसिन उस जख्म को नहीं भर पाएगा। इसलिए अगर वो पर्सन आपकी सोल के ऊपर जख्म कर दिया है, जिस पेन से बाहर निकलने के लिए आप भगवान के पास आए हैं, आप इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, आप इनर वॉक मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो ये 100% कन्फर्मेशन साइन है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एंड वही पर्सन ही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट साइन ये है कि जब आपका सेपरेशन हो जाता है, जब वो पर्सन आपसे रन कर जाते हैं, तो इस टाइम ही आपकी एंट्री स्पिरिचुअलिटी में होता है, ठीक है। आपको इस जर्नी के बारे में हर एक सीक्रेट एक एक करके पता लगने लगता है, ठीक है। और आप उसी पर्सन के लिए ही अपने ऊपर काम करते हो, अपने आप को बेटर बनाने में आप लग जाते हो। एंड देन उसी टाइम के लिए आपको जितने भी सारे लेसन को लर्न करना होता है, आप अगर अपने सारे लेसन को लर्न कर लेते हो, तो उसके बाद आपका जो पर्सन है, वो वापस आपकी लाइफ में रिटर्न आता है। क्योंकि उसके बाद आपको डिवाइन आपकी पर्सन के थ्रू कुछ और लेसन को भी सिखाता है, ठीक है। तो ये एक ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन है, जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए चाहे आप दोनों अभी सेपरेशन में क्यों ना हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको अपना सारा इनोवा को कम्प्लीट करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट साइन ये है कि जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हो, जब इस जर्नी में आपको 1-2 साल या फिर 4-5 साल हो जाती है, तो अभी अभी 2024 में आप अगर आपकी जर्नी को स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करोगे, खुद को ऑब्जर्व करोगे कि आप तब जैसा पर्सन थे, अब आप कितना बदल चुके हैं, ठीक है, इन अ गुड वे, ठीक है। आपको अपनी पर्सनैलिटी में हेल एंड हेवन का फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम सब डिस्टर्टेड एनर्जी में होते हैं, ठीक है, बट जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारी एक एक इशू हील होती जाती है, ठीक है। एंड आप आपकी ओल्ड सेल्फ से जब खुद को कंपेयर करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या क्या इशू थी, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में वो पर्सन आने के बाद आपके अंदर एक मासिव ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो आपका हाईएस्ट वर्जन है, आप आपके हाईएस्ट वर्जन में आ चुके हो या फिर आ रहे हो, तो ये भी एक 100%, मतलब 100% नहीं, ये 1000% कन्फर्मेशन साइन है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एंड वही पर्सन ही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में आपका ट्रू ट्विन फ्लेम आता है, तो आपकी मासिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट साइन ये है कि अगर आपको आपकी पर्सन की एनर्जी फिजिकल लेवल पर फील होने के बजाय एनर्जेटिक लेवल पर फील हो रही है, चाहे वो आपको 3D में कुछ बोल रहे हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, उनकी वही एनर्जी आपको एनर्जेटिकली फील हो जाता है कि वो आपसे ये सब क्यों बोला है, उसके पीछे की रीज़न आपको पता चल जाता है, ठीक है। वो चाहे आपको कितना भी बुरी तरह क्यों ना ट्रीट करें, आपको उनकी इस बैड बिहेवियर के पीछे की रीज़न एनर्जेटिकली पता चल जाता है, ठीक है। तो उनको एनर्जेटिकली फील करना और बिना कुछ बोले उनकी इमोशन को समझ जाना, ये सब सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होता है। ओके, किसी कार्मिक या फिर सोलमेट के साथ आप ये सब फील नहीं कर पाएंगे। ओके,
सो गाइज, ये तो थे कुछ मेजर साइन जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड सामने वाला पर्सन ही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे साइन हैं, जैसे कि बहुत कॉमन साइन है, जैसे कि पहले तो आपकी स्पिरिचुअल एंट्री होती है, ये तो बहुत कॉमन साइन है, ठीक है। एंड वो पर्सन चाहे आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो, वो 24/7 आपकी माइंड में रहता है, ठीक है। आप एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ हर वक्त कनेक्टेड रहते हो, ठीक है। एंड और एक जो साइन होता है, मतलब जब आप दोनों पहली बार बात करते हैं तो उसी टाइम आप उनसे रन करते हैं, ठीक है। आप उनसे बात करने से डरते हैं क्योंकि तब उनकी जो एनर्जी होती है ना, उनकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव आपको लगती, तो उनके पास इतना सब कुछ होता है जिसको देख के आपको मतलब अक्वर्ड फील होता है कि उनके पास सब कुछ है और आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए आप उनसे रन करते हो, ठीक है। बट जब ये जर्नी मतलब आपकी लव फिर स्टार्ट होता है, आप दोनों की एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो उसके बाद वो आपसे रन करते हैं, ठीक है, और आप उनके पीछे भागते हो। एंड देन फिर क्या होता है कि जब आप अपना जो हाईएस्ट वर्जन है, हाईएस्ट वर्जन को अचीव कर लेते हो, आप इनर यूनियन में आ जाते हो, तो फिर से वो पर्सन आपका ट्विन आपके पीछे भागते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, मतलब सब कुछ पलटता है, ओके। तो ये भी एक ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी का साइन है। तो आप देखिए कि आपके साथ क्या क्या हो रही है, ठीक है। आप जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको बहुत सारे साइन मिलेंगी, ओके। एंड और एक जो साइन है ट्रू ट्विन फ्लेम्स की, मतलब आप दोनों जब प्लानिंग करते हो एक दूसरे से मिलने के लिए, तो आप दोनों कभी भी अपनी प्लानिंग के हिसाब से नहीं मिल पाते हो, ठीक है। आप बार 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 एक दूसरे से अलग हो जाते हो, ठीक है। कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हो, ठीक है। तो ये भी एक साइन होता है ट्रू ट्विन फ्लेम्स का, क्योंकि ये सब जो कुछ भी होता है ना, ये सब डिवाइन की मर्जी से ही होता है। डिवाइन को पता है कि आपको कब मिलाना है, कब आप दोनों की सेपरेशन होगी, कब आप दोनों की यूनियन होगी, कब आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली मिलेंगे, ये सब कब होगा, ये सब डिवाइन ही डिसाइड करेगा, ठीक है। आप आपकी प्लानिंग के हिसाब से कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एंड और एक साइन गाइस, ट्रू ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, उन दोनों के बीच बातें बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब ना आप दोनों फ़ोन में ज़्यादा बातें करते हो, ना आप मैसेज में ज़्यादा बात करते हो, ना आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो, मतलब बातें बहुत कम होती है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हो एक दूसरे के साथ, टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है। तो 3D में ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत कम होता है ट्रू ट्विन फ्लेम्स के बीच, ठीक है। तो अब देखिए कि आप लोगों के साथ ये सारे साइन मैच कर रहे हैं या नहीं। एंड और भी बहुत सारे साइन हैं जिन्हें मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, बट फिर भी मैं याद कर करके बता रही हूँ। एंड नेक्स्ट साइन ये होता है कि आप सभी ने कहीं ना कहीं से ये सुना होगा कि हमें जो चीज़ चाहिए होता है, वो चीज़ अगर हमें मिल जाए तो उसके लिए हमारे मन में, हमारे दिल में प्यार ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बट ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, अगर आपको आपकी ट्विन मिल जाती है, तो उसको पाने के बाद आप दोनों के जो प्यार होता है ना, वो प्यार और भी बढ़ने लगता है, ठीक है। ये प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। ये प्यार नेवर एंडिंग वाली प्यार है, ठीक है, इटरनल है, ठीक है। जो प्यार और भी ज़्यादा बढ़ता है जब आप आपकी ट्विन को पा लेते हो अपनी लाइफ में, ओके। एंड गाइज, ऐसे और भी बहुत सारे साइन हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है। एंड आज का वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, मतलब लगभग आधा घंटा तो हो चुका है। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड बाकी जो साइन रह गए, मैं उनको एक अलग से वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आप देखिए कि इनमें से आपको कौन कौन सा साइन मिल रही है, ठीक है। अगर आपको ये सारे साइन मिल रहे हैं, या फिर 60-70% साइन अगर आपको मिल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड सामने वाला पर्सन ही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ठीक है। आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगेन वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है, तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।